नमस्कार, मैं हूं अर्चित। आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। जैसा कि जब कोई महिला दुल्हन बनती है तो आमतौर पर उसके ऊपर तोहफों की बरसात होती है, मगर फ्लोरिडा में हाल ही में एक दुल्हन ने खुद किसी को अनोखा गिफ्ट दिया है। महिला ने अपने पति की पूर्व पत्नी को ऐसा उपहार दिया जो अपने जीवन में शायद बहुत ही कम लोग किसी को दे पाते हैं। दरअसल दुल्हन ने शादी के दो दिन बाद ही पति की पहली पत्नी को किडनी दान की है। फ्लोरिडा में डेबी नील स्ट्रिकलैंड नाम की इस दुल्हन ने अपनी शादी की पोशाक पहनने के दो दिन बाद ही अस्पताल में वहां का गाउन पहना। दरअसल डेबी और जिम स्ट्रिकलैंड एक दशक से साथ हैं। डेबी के साथ रिलेशनशिप में रहने के दौरान भी जिम का अपनी पूर्व पत्नी माइलन मेरथे के साथ मधुर रिश्ता है। वह अपने दो बच्चों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि डेबी और माइलन एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत भी नहीं है। माइलन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रही थी। उनकी किडनी सिर्फ 8% की सामान्य क्षमता से काम कर रही है। बिना ट्रांसप्लांट के उनके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम थी। खास बात तो ये है, जब डोनर मैच किया गया तो माइलन का अपने भाई से मैच नहीं हुआ, लेकिन डेविल के साथ मैच हो गया। डेबी ने माइलन की स्थिति को देखते हुए खुशी खुशी किडनी डोनेट करने के लिए सहमति जता दी। खास बात तो यह है कि शादी के महज 48 घंटे ही उन्हें माइलन की जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुटना पड़ गया था। डेबी ने जब माइलन का किडनी दान की है, तब से उन्हें किडनी सिस्टर कहा जाता है। डेबी का कहना है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था,